बेटी आज होलिस्टिक हेल्थ केयर के जमाने में बढ़ रही है। हम सब ने राजनीति से परे होकर के किसी कार्यक्रम को सरकारी कार्यक्रम माने बिना ये देश के किसानों की भलाई के लिए है, हमें मिलकर के चलना होगा। हमें किसानों को हैंड होल्डिंग करना पड़ेगा। हमने कॉरपोरेट वर्ल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर में उनका कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, उनको हमने प्रेरित करना पड़ेगा, उनके लिए कुछ नए नीति नियम बनाने पड़ेंगे। वरना कोई ट्रैक्टर बना दे और वो मानता है कि उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया। हमें तो प्रत्यक्ष फूड प्रोसेसिंग में आज देश है, वेयर हाउसेज बनाने में, कोल्ड स्टोरेज बनाने में कॉरपोरेट वर्ल्ड का इन्वेस्टमेंट के समय की मांग है और उसको बल देने के लिए हमने काम करना चाहिए। किसानों को एफपीओस के द्वारा अधिक से अधिक अवसर देकर के उनके लिए बीज से लेकर के बाजार तक की एक व्यवस्था खड़ी हो, जिसके कारण हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ी अवसर है, बहुत बड़ी संभावना है। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ी अवसर है, बहुत बड़ी संभावना है। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ी अवसर है, बहुत बड़ी संभावना है। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ी अवसर है, बहुत बड़ी संभावना है। उस क्षेत्र को हमें बल देना पड़ेगा। पिछली बार जब 2014 में देखा दाल के भाव यही इश्यू बन गया था, लेकिन देश के किसान का मिजाज देखिए। जब मैंने सिंपल रिक्वेस्ट की थी कि आप पल्सिस के लिए आगे आइए और मेरे देश के किसानों ने पल्सिस के लिए देश की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर काम किया। दलहन का हुआ, अब हमें देश के किसानों को तिलहन के लिए प्रेरित करना चाहिए और देश को एक बूंद भी तिल इम्पोर्ट न करना पड़े, तेल इम्पोर्ट न करना पड़े एडिबल ऑयल। मैं समझता हूं देश के किसान को प्रेरित कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं। इन चीजों को लेकर के फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसान की ताकत और देश की रिक्वायरमेंट, इसको हम जोड़ करके काम कर सकते हैं उसकी दिशा में।